हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ऑनलाइन तैयारी। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ डायरेक्शन टेस्ट। सो पहले बेसिक जान लेते हैं एक बार कि क्या 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 किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर हम आगे उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे और फिर उसका डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव करते रहेंगे, और जिस जिस तरीके के नए क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बट आज एक बेसिक कि आपको क्या क्या टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, कि क्या क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो यार, अगर कुछ हो ना हो, सबसे पहले आपको एक ये डायग्राम तो याद हो जाना चाहिए, डायरेक्शन जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है और वेस्ट किधर होता है। सो ये बहुत बेसिक सा आपके पास डायग्राम मैंने आपको बता दिया इसको याद करने के लिए, कि आप इस बेसिस पे याद कर लो। अगर आप सीधा देख रहे हो तो नॉर्थ, पीछे देख रहे हो तो साउथ, राइट में देख रहे हो तो ईस्ट और लेफ्ट में देख रहे हो तो वेस्ट। अब इसी के साथ हम यहाँ से बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो ये हमारी बेसिक डायरेक्शंस हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, मतलब डायरेक्शन यही रहेंगी, इन आठ के अलावा कोई भी नई डायरेक्शन नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो या तो डायरेक्ट स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, जो हम डेफिनेटली मैं डिस्टेंस देख के बता सकता हूँ अगर मेरे स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस आ रही है, बट अगर डायगनली मेरी कोई भी डिस्टेंस आ रही है, कुछ इस तरीके का अगर मेरा डायग्राम है ना, और मेरे से ये वाली डिस्टेंस पूछ ली ए से लेके बी तक, है ना, तो ये मैं कैसे बताऊंगा। तो इसके लिए सिंपली पाइथागोरस थ्योरम होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास ये है, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, है ना। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो दिस इज ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, तो विच मीन्स ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके का आपका जो भी डिस्टेंस है आप वो निकाल सकते हो, है ना। और कई बार दिक्कत आती है कि इसी तरीके का है बट मेरे से डिस्टेंस पूछा है ए से लेके बी तक, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये निकाल देते हैं। बट वहाँ पे अगर शॉर्टेस्ट नहीं बोला है, पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस अ पर्सन कवर ए से बी तक जाने के लिए, है ना, तो यहाँ पे मैं टोटल डिस्टेंस बताऊँगा जो कि मेरा ये है लॉन्ग पाथ, है ना। यहाँ पे मैं शॉर्टेस्ट नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे को नहीं पूछा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ हो गई। इसके बाद जो आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली चीज़ आती है वो हम एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे सॉर्ट आउट करनी है, वो कैसे करनी है। तो अगर ये आपकी क्लॉक है तो क्लॉक कैसे मूव करती है, ऐसे, तो ये हमेशा क्लॉकवाइज डिस्टेंस होगा। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ नॉर्थ में और किसी ने कहा कि मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो विच मीन्स मैं इधर आ गया हूँ क्लॉकवाइज टर्न लेने पे। क्यों? क्योंकि दिस इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट ही समझ लिया हमने। अब एंगल्स के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया तो ये बता दूं ये 90 होता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होता है कि कोई पर्सन है वो अपनी प्लेस पे खड़ा है बट उसने 180 डिग्री टर्न ले लिया, तो अगर वो अभी इधर फेस कर रहा है तो बाद में किधर फेस करने लगा है, इधर 180 डिग्री पे, 90 ले लिया है, 90 क्लॉकवाइज ले लिया, मैं इधर खड़ा हूँ और मैंने 90 क्लॉकवाइज ले लिया तो अब मैं इधर फेस कर रहा हूँ। तो आई होप कि ये बेसिक सबको क्लियर हो गए होंगे। अब एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन मेरे पास है, पहला क्वेश्चन, इफ अ बॉय मूव्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल दैट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम हिज होम टूवर्ड्स साउथ, तो मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ से बॉय मूव कर रहा है, तो अब वो यहाँ से मूव कर रहा है टू उसका जो स्कूल है वो 20 मीटर्स अवे है साउथ में, ठीक है, अभी इतना बताया है। बट ही गोज इन द नॉर्थ डायरेक्शन थिंकिंग इट साउथ डायरेक्शन एंड वॉक फॉर 20 मीटर, तो उसने क्या किया, वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगा सोच के कि यार वो साउथ डायरेक्शन है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा, तो 20 मीटर वो चला, है ना। जब उसने अपनी मिस्टेक रियलाइज करी तब तक वो 20 मीटर चल चुका था। तो अब क्या पूछा है, हाउ मच मोर डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन ही मस्ट वॉक इन ऑर्डर टू रीच द एक्चुअल
डेस्टिनेशन, तो एक्चुअल डेस्टिनेशन तो इसकी ये थी स्कूल, है ना, ये था इसका होम। अब ये उल्टा चला गया, तो एक्चुअल अभी इसे कितना आना है, 40 आना है, और किस डायरेक्शन में आना है, साउथ में आना है, क्योंकि वो अभी नॉर्थ में मूव कर रहा था, तो 40 मीटर साउथ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट आर इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, तो जो पॉइंट आर है वो 10 मीटर है, पॉइंट आर 10 मीटर है ए के, ठीक है। आगे क्या बोला है, पॉइंट के इज एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ पॉइंट आर एंड ए, तो के मेरा यहां पे हो गया, यानी 5 ऊपर हो गया, 5 नीचे हो गया, ठीक है। पॉइंट एन इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, तो अगर मेरा ए ये है तो ईस्ट यहां पे होगा, है ना, तो यहां पे कौन सा है, पॉइंट एन। अगर हम ये एक याद रखें, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, तो अभी एन ए के ईस्ट में है, तो मैंने आपको बताया ना ईस्ट यानी आपके राइट में, तो एन इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट एम इज 7 मीटर्स ईस्ट ऑफ पॉइंट के, अब पॉइंट एम है वो 7 मीटर ईस्ट है पॉइंट के के, ठीक है, तो जब ये 7 था और ये भी 7 है तो यानी के यहाँ पे होगा। अब इसके बाद पॉइंट एस इज 6 मीटर्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट एम, ठीक है, तो दिस इज पॉइंट एम और हमारा पॉइंट एस 6 मीटर नॉर्थ है पॉइंट एम से, तो 6 मीटर नॉर्थ पॉइंट एस है एम से। अब पूछा क्या है, वॉट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड एन, तो एस और एन के बीच बनाना, तो 6 तो ये है, ये के और ये ए कितना था, 5 था, तो यानी यहाँ पे भी 5 होगा, तो 6 और 5 11, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 11 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या बोला है, मनोज वॉक 30 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो अगर ये मेरा डायरेक्शन है, यहाँ पे ईस्ट है, तो ईस्ट में मनोज 30 मीटर्स चला, टू का राइट टर्न, अगर अब मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आपका राइट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे, तो विच मीन्स इधर, राइट टर्न लेके एंड वॉक 40 मीटर्स, तो 40 मीटर्स आफ्टर टेकिंग राइट टर्न, उसके बाद देन ही टोक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर्स। अगर अभी मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट किधर है, इधर है, तो अगर मैं साउथ फेस कर रहा हूँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं नीचे जा रहा हूँ, तो यानी मैं साउथ फेस कर रहा हूँ, तो अगर अभी मेरा लेफ्ट इधर है तो तब किधर होगा, इधर, तो अब मैं लेफ्ट चल के 30 मीटर्स मैंने वॉक किया, तो इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये था और एंड पॉइंट मेरा ये है, तो अब मैं किस डायरेक्शन में हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से, तो अगर मैं ये देखूँ ये कौन सी डायरेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, पहले मैं यहाँ पे था, ठीक है, अब मैं यहाँ पे हूँ, तो कौन सी डायरेक्शन है, ये है मेरी साउथ ईस्ट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है कि टावर डी इज टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ टावर एफ, लाइक अगर ये टावर एफ है तो ये टावर ई है, टावर बी इज टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ टावर डी, तो ये मेरा टावर डी है और टावर बी जो है वो नॉर्थ है टावर डी के, तो ये हो गया मेरा टावर बी। टावर एच इज टूवर्ड्स साउथ ऑफ टावर बी बट नॉर्थ ऑफ डी, तो यानी अगर ये यहाँ पे मेरा बी है तो एच बी के साउथ में है बट डी के नॉर्थ में है, तो एच यहाँ पे भी हो सकता है, एच यहाँ पे भी हो सकता है, एच यहाँ पे भी हो सकता है, एच कहीं भी हो सकता है, बस बी से नीचे डी से ऊपर, राइट, तो टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज टावर एच फ्रॉम एफ, तो एच अगर मेरा होगा तो यहीं पे होगा और ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन है, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई, नॉर्थ ईस्ट, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डायरेक्शन किस तरीके से देखनी है, है ना, कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि थोड़े और डिफिकल्ट होंगे और कुछ न्यू पैटर्न बेस पे होंगे, सो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहें। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।